ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा 14 से 18 जून तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस पूर्वानुमान अवधि के दौरान बताया गया कि आसमानों में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 12 जून को उत्तर दक्षिणी में मानसून का प्रवेश हो चुका है। यह अगले 2 से 3 दिनों में बिहार के लगभग सभी जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया कि अनुमानित अवधि में अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं है। अनेकों स्थान पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बावजूद भी हीटवेव की स्थिति अगले 2 से 3 दिनों तक बनी रहेगी। इस अवधि में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, तो वही न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। साथ में किसान भाइयों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा पर्याप्त हो, लंबी अवधि वाले धान लगाना चाहते हैं, तो राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेत, किशोरी, स्वर्णा, स्वर्णा सब एक किस्में 10 जून तक बीज स्थली में गिराने का प्रयास करें। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अनुमानित अवधि के दौरान 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा पछिया हवा चलने की भी आशंका जताई जा रही है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।